अगर आप जन चेतना की बात करें तो उस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है इस समय आई थिंक सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न टू एजुकेट योर सेल्फ मैं जब पहली बार मैं फेसबुक वगैरह में ज्यादा नहीं आता बिकॉज उसमें टू मच टाइम इट टेक्स ट्विटर आई थिंक आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ट्विटर अबाउट फोर एंड एड हाफ ईयर्स बैक आई थिंक आई गॉट ए लर्न ए लॉट मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला खासकर युवा वर्ग के लोगों के बारे में वरना आप जब साठ साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो युवा वर्ग जो है आपको वैसे ही डिस्कार्ड कर देता है कि अभी ये हम किसी और युवा नेता से बात करते हैं या युवा लोगों से बात करते हैं मगर मेरा हमेशा कॉम्पिटिशन युवा लोगों के साथ होता है मैं सब नए कलाकारों के साथ कॉम्पीट करता हूँ मेरा कॉम्पिटिशन मेरी उम्र के एक्टर्स के साथ नहीं होता मेरा कॉम्पिटिशन वरुण धवन के साथ है सिद्धार्थ के साथ है आदित्य राज कौल आदित्य राज को आपके मंच पर आदित्य राज कॉल का नाम ले लिया आदित्य रॉय कपूर के साथ है बिकॉज आई थिंक दे कीप मी अलाइव दैट इज वाई सोशल मीडिया कीप्स मी अलाइव आई गेट टू नो अ लॉट अबाउट द करंट सिनारी ऑफ इंडिया लेकिन जिस बेबाकी से आप बोलते हैं क्या बॉलीवुड में उसका खामियाजा उठाना पड़ता है नहीं आई थिंक बेबाकी से बोलने के फायदे बहुत हैं बेबाकी आपको इज्जत दिलाती है आई हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी दुनिया के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं और वो पॉसिबल नहीं है आपको देश की जनता के साथ पॉपुलर होना है तो आपको सच बोलना पड़ेगा जो चार पांच लोग चीजें लिखते हैं एडिटर हुए जर्नलिस्ट हुए उनके साथ मैं पॉपुलर थोड़ा होना चाहता हूं क्योंकि उनके भी अपने एजेंडाज होते हैं है ना तो आई डोंट गेट वर अबाउट एजेंडा आई थिंक इट्स वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉपुलर विद योर intentions with your country, it's very important to be popular with what you think is right. और उसके चक्कर में अगर कुछ नाराज होते हैं तो होने दीजिए If you are not popular with yourself, how can you be popular with anybody else? So सो मुझे लगता है कि वो खामियाजे तो उठाने पड़ते हैं बिल्कुल उठाने पड़ते हैं बहुत सारे लोग जैसे मेरा ट्वीट जाता है पांच सात लोग गाली देना शुरू कर देते हैं वो तो मेरे लिए तो वो गाली आशीर्वाद की तरह है मुझे लगता है कि कहीं तो इनको बात चुभी है एक प्रश्न यहाँ यह भी उठता है जब अवार्ड वापसी शुरू हुई उसका दौर शुरू हुआ <laughs> तो आप यहीं दिल्ली बगल में इंडिया गेट पहुंचे आपने अवार्ड वापसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई राजनीति में तो किरण जी है आप मैदान में कैसे क्यों जी देश के बारे में बोलने के लिए किसी का शादीशुदा होना या बीवी का राजनीति में होना जरूरी है देश के बारे में बोलने के लिए मैं पहले इंसान हूँ मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ उसके बाद हस्बैंड हूँ तो सबसे बड़ी बात तो यह है आई डोंट थिंक आई हैडी इज़ परमिशन एंड आई थिंक किरण इज़ अ वेरी नेशनलिस्टिक पर्सन हर सेल्फ आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्या हो गया आजकल फैशनेबल हो गया दो तीन चीज़ें ये फैशनेबल हो गया कि क्या कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है इसका क्रिटिसिज्म कैसे करें अगर कुछ लोगों को अवार्ड वापस करने का अधिकार है तो मुझे उसका खंडन करने का अधिकार है, है सीधी सी बात है ना। अगर कुछ लोगों का एजेंडा ये है कि यार हम इस पॉपुलर सरकार को जिसको सरकार ने चुना दुनिया ने चुना है इकतीस प्रतिशत लोगों के साथ चुना है अगर उनको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं तो मुझे अधिकार है उसको डिफेंड करने का उसके लिए आई डोंट हैव टू बी मैरिड टू सम बीजेपी एमपी आई जस्ट हैव टू बी एन इंडियन यू सी आई एम एट ईयर्स यंगर देन इंडिया उन्नीस सौ सैंतालीस में भारत स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ था 1955 में मेरा जन्म हुआ था तो मैं आठ साल तो मेरा बड़ा भाई है हिंदुस्तान हम तो भारत माता बोलते हैं वैसे पर मेरा बड़ा भाई है हम दोनों साथ में मैं उनका छोटा भाई हूँ साथ में बड़े मगर देशभक्ति की भावना हमारे स्कूल में मेरे स्कूल की प्रार्थना थी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो मैं उसी भाव से जागा हूँ उसी से आया हूँ अब दो भाई कभी कभी घर में अलग चले जाते हैं एक यूरोप चला जाता है या एक अमेरिका चला जाता है या एक बड़ा अमीर बन जाता है एक छोटा बन जाता है मगर जब प्रॉब्लम होती है तो दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो वही मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने वही किया मुझे लगा कि देश के बारे में अगर कुछ को लगता है कि इनटॉलरेंस हो रही हो रही है या अवार्ड वापसी की जरूरत है तो मुझे लगा इसके बारे में किसी और को भी बोलना चाहिए कि भाई मुझे तो नहीं लग रहा बट वो वापस ख़त्म हो गई